गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी हम मिल रहे हैं दो दिन बाद, यानी दुल्हंडी के बाद आज ही मिल रहे हैं। आज ही मैं बड़ा व्लॉग बना रही हूँ। तो आज हमें जाना है डॉक्टर के, और काफी सारे कमेंट्स भी आए थे कि क्या आपका एनामोली स्कैन हो गया, क्या आपका लेवल सेकेंड अल्ट्रासाउंड हो गया। तो वही है आज मेरा, जो कि फिफ्थ मंथ में होता है, उसी के लिए आज हम डॉक्टर के जा रहे हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं मतलब डेली आई थी। जो मैंने बताया था कि मम्मी और परवेश तो खेतों में काम की वजह से, जो आपको परवेश की वीडियो में देखने को मिलता ही होगा, वो खेतों में काम चल रहा है, उसकी वजह से उन्हें गांव में रहना पड़ा और मुझे दिल्ली इसीलिए वापस आना पड़ा क्योंकि डॉक्टर विजिट थी और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह होना था। और गांव से दिल्ली आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उस दिन परवीन जी के साथ ही आ गई थी। वरना तो अगर ये कुछ नहीं जाना होता डॉक्टर वगैरह के, तो मेरी मम्मी खुद ही मुझे नहीं आने देती, क्योंकि मम्मी खुद यही चाह रही थी कि मैं भी उनके साथ फिर वहीं कुछ दिन गाँव में रुकूँ, खाना पीना दूध लस्सी सारी चीज़ चेंज हो, तो वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी वैसे भी। तो और मैं खुद भी इसी चीज़ में खुश थी, लेकिन ये डॉक्टर वाले रीजन के लिए मुझे आना पड़ा था। बाकी जल्दी ही हम वापस दोबारा से मम्मी के पास जा रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह हमने खा लिए हैं। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के, और फिर आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ स्कैन वगैरह में क्या आता है। जो भी रिपोर्ट्स तो शायद पता नहीं मुझे आज मिले या ना मिले, कल मिले, कन्फर्म नहीं है। जो भी होगा मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। चलो अभी चलते हैं। मेरे को ना कहीं से चॉकलेट दिला दो। ले लो, यहीं से ले लो। चॉकलेट लेनी है, क्योंकि पता है जब उनकी पोजीशन ठीक नहीं आती ना, जब उनको चेंज करवानी होती है, तो बार बार बोलती चॉकलेट खा के आओ, चॉकलेट खा के आओ। तो हाँ, फिर मैं पिछली बार बहुत दिक्कत हो गई, कहाँ से चॉकलेट खाऊं। और कभी बोलती है चाय बिस्किट खाओ, तो फिर चाय बिस्किट तो बाहर मिल जाते हैं, वो तो हमने खा लिए थे, वो खा लेते हैं। चॉकलेट उनके कैफे में पूछा, उनके कैफे में पूछा, इतनी महंगी है यार, इतने में तो मैं 20 चॉकलेट ले आऊँ यार, चाहिए एक। मैंने सोचा अगली बार अपने घर से ही लेके चलेंगे, तो इसलिए अभी मैं पहले यहाँ से चॉकलेट लेऊंगी और फिर डॉक्टर के आगे जाऊंगी, ताकि जब भी बोले ना चॉकलेट खाओ, तो मैं फट दे निकाल के खा लूंगी। और क्या, सुनो मैं मेरे से नहीं लाई जाती, आप ले आओ। दिखा दी अरे ये तो आप बहुत सारी ले आए, चार चॉकलेट थोड़ी गई थी, दो गई थी। कोई नहीं, दो मेरी हैं। आप थोड़ी ना चॉकलेट खाते हो, दांत खराब हो जाएंगे आपके। ऐसा कर ऐसा करती हूँ, तो दो ही चाहिए, एक वही खा लूँ। बाद में नहीं, पहले भी वही बात है, बाद में भी वही बात है। उन्होंने कहा भी है या तुम्हें ऐसे बता लिया? नहीं, मम्मी से पूछ लेना, पिछली बार मम्मी थी मेरे साथ, मम्मी को पता है। मम्मी ने तो ऐसे भी बोल दिया था कैफे में से ले ले, मैंने रेट पूछा बहुत महंगी थी, मम्मी ने फिर भी कह दिया था कि कोई नहीं ले ले, फिर मैंने नहीं ली। पर मुझे लग रहा है कि उन्होंने नहीं बोला, तुमने बना लिया। नहीं, मैं आज पूछवा दूंगी आपसे, मैं बोल दूंगी मैम एक बार इनसे कह दो, ये मानते नहीं है मेरी इस बात को। ठीक है, चलो मान लिया। तो ये मैं मंच तो अभी खा लेती हूँ। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, अभी जल्दी से जाके और अपनी बिलिंग करवा के अपने आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। और हॉस्पिटल में तो यार मेरे से वीडियो बनाना, बोलना, शूट करना मेरे से नहीं होता है, और कई जगह वहाँ ना ज़्यादातर जगह पे अलाउड भी नहीं होता है ज़्यादातर क्लिप्स वगैरह लेना या वो सब। तो मैं बाहर आके और आपको जो भी बात होगी सब कुछ अच्छे से बताऊँगी। अभी मैं आती हूँ। हेलो, तो अभी बीच में हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में आके बैठ गए थे, क्योंकि उसमें इस अल्ट्रासाउंड का आपको पता भी होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और एक बार में नहीं होता, पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसलिए मेरा आधा हो गया और आधा भी रहता है। डॉक्टर का भी लंच टाइम हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप भी थोड़ा मतलब घूम के आओ, कुछ खा पी के आओ, इतने हम भी लंच कर लेते हैं, फिर जो मतलब एक साइड का हो गया, दूसरी साइड का जब पोजीशन चेंज होएगी तो उसके बाद होगा। तो इतनी देर में हम वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो थोड़ी देर गाड़ी में आके बैठ गए थे। अब 10-15 मिनट बैठ लिए, अब सोच रहे अब चलते हैं वापस, इतने और वॉक करके जाएंगे। और खाने में तो जो मैं अपनी चॉकलेट लेके आई थी, मैंने अपनी एक चॉकलेट खा ली। अभी जा रहे हैं हम वापस से, देखते हैं अभी एक बार में डन हो भी जाता है या नहीं, कुछ नहीं पता कितनी बार और हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे।
वही कह रहे थे कि बेबी एक साइड का हो गया, जब पोजीशन चेंज करेगा दूसरी साइड तब हो गया था ना। हाँ, एक साइड का हो गया, दूसरी साइड क्या का है उसको चेंज फिर करेगा। चेंज करे, मैं कैसे कहूँगा, अपने आप करेगा। तुमसे तो तुम्हारी दवा सुनेगा मेरी नहीं सुनता। अभी से। ठीक है, तो अभी फिर से जा रहे, देखते हैं क्या होता है। गाइस, फाइनली मेरा स्कैन हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का जो भी मेरा काम था वो हो गया है। हॉस्पिटल से निकलते ही सबसे पहले मैं मम्मी को फोन कर रही थी बताने के लिए, लेकिन पता नहीं मेरी माता श्री कहाँ बिजी है, फोन ही नहीं उठा रही। हाँ, उन्होंने खेत का बहुत सारा, ठीक है तुम्हारी तरह फ्री नहीं घूम रहे बैठे बैठे, खेत में तो मजदूर काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत काम हो जाता है। हाँ ये तो है, अकेले को काम हो जाता है बहुत ज्यादा। और गुल्लू भी नहीं उठा रहा, पता नहीं दोनों के पास क्या था, मैंने वीडियो कॉल भी की थी, वैसे भी की थी, कोई भी नहीं उठा रहे। कोई नहीं, अब जब देखेंगे तो कर लेंगे खुद। सोने वाले तो है नहीं कि भाई सो गए होंगे, सोएंगे तो भी फोन थोड़ी ना ऑफ कर, मतलब वो करके सोते हैं साइलेंट वगैरह। चल सीएनजी नहीं चलते, सीधा ही चलते हैं। चलो चलो, ये तो और भी मजे की बात है। वैसे ये दिल्ली में रेड लाइट वाला चक्कर सबसे सही है, अगर ये ना हो ना जीन ना दे। सही है, इसकी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो अपना नंबर लग जाता है। और अभी हम जा रहे हैं घर, घर नहीं जा रहे, तो वहाँ जा कुछ रहे। खिलाने पिलाने लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ थोड़ी शॉपिंग करना है, वो मेरे पास ऊपर है ना, कूपन पड़े हैं। ओहो, समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई। ये जो एनिवर्सरी पे कपड़े वगैरह लाए थे ना, ये और प्रवेश दोनों गए थे, तब कुछ कूपन मिले थे और वो कूपन रखे इनके पास। ठीक है, अब वो इनको आगड़े लगाने हैं क्योंकि उनकी डेट नजदीक आ रही है। जरूरी नहीं है, अगर कुछ मिला तो ले आएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि ले ले लेके आने। अरे तो ऐसे कह रहे, गर्मी भी आ रही है, कुछ मतलब थोड़ी बहुत अगर कुछ पसंद आ गया तो ले आऊंगा, तो कूपन भी यूज हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि मैं उनको खर्च करके ही करके आऊंगा। तो अभी हम पहले जा रहे हैं सेक्टर 21, तो ये कह रहे हैं कि अभी गर्मी भी आ रही है, देखते हैं अगर कुछ पसंद आ गया तो थोड़ा बहुत ले भी आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए ले आऊंगी, क्योंकि मेरे को भी सारे कपड़े टाइट टाइट से लगने। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आना, तुम्हें तो ले जाना बेकार ही है, घूम फिर के वापस आ जाओगे, देख लेना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ पसंद आएगा। तुम्हें कितनी बार लेके जा चुके, एक चीज नहीं लेके आई हो तुम। मैं अपनी मम्मी के साथ जाके लाई थी। हाँ, मम्मी के साथ जाके लाना तो। अरे मम्मी के साथ ही शॉपिंग करने में मजा आता है मेरे को तो। देख लेना कुछ आए तो पसंद, मैं तो यही चाहूंगा कि ले आओ साथ में, मतलब एक बार धमदेसो तो जरूर मारूंगी। चीजें मैं धमदेसो तो जरूर मारूंगी एक बार, लेन का तो चले मुझे ना ले। धमदेसो यार, धमदेसो मतलब हैंगर पर तू उतार उतार के ट्राई कर करके पटकनी। धमदेसो एक तरह से ढूंढना, मतलब कुछ देना, बिखेर बिखेर देना है ना। तो अभी हम पहले वहां जा रहे, फिर उसके बाद अगर देखते हैं कुछ खरीदेंगे तो जरूर दिखाऊंगी। ये कुछ लेंगे या मैं कुछ लूंगी तो दिखाऊंगी, अगर खाली आता है तो बोल दूंगी खाली आता गए। कुछ नहीं मिला ढंग का, कुछ नहीं लगा तो हमारे पास सबसे पास पड़ता है द्वारका, सेक्टर 21 में पड़ता है पैसिफिक मॉल, उसी में जाते हैं हम ज्यादातर, तो आज भी वहीं जा रहे हैं। तो चलो पहले हम सीएनजी भरवाएंगे, पहले गाड़ी को खाना पानी मिल देना है, ताकि बाद में इधर जाएंगे। अरे यार सीएनजी तो इधर थी, किसी को घुमा के लानी पड़ेगी गाड़ी, आधे टाइम भरवा लेना। ज्यादा तो नहीं है, भीड़ है ये सारी, इतने सारी है उसी की कड़ी है। नहीं नहीं, चलो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है, भी बाहर आ गए हैं, मतलब अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहे हैं। और जो कुछ इनको पसंद आया, दो तीन टी शर्ट जो मैंने वीडियो में दिखाई, तीन टी शर्ट एक सूट, वो ये ले आए हैं। और मैं बिना करते करते भी एक कुर्ता तो मचका ही लाई। और अगर मैं स्कैन की बात करूं तो स्कैन का मतलब आज सिर्फ स्कैन हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमने पूछा था, बोले कि शाम तक 5-6 बजे तक मिलेगी।
और फिर 5-6 बजे तक वेट कौन करता है, और अगर हम 5-6 बजे ले भी आते तो फिर वही बात है कि वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी होती है, डॉक्टर मतलब सुबह के टाइम 12 बजे तक होती है, तो वो फिर वो नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने वेट नहीं किया और सोचा कि कल चलेंगे, तो कल का हमने अपॉइंटमेंट ले रखा है 11 से 12 का, तो कल वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है मदद लेके, तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी कि स्कैन में क्या रहा, क्या बताया, क्या लेवल सेकंड का अल्ट्रासाउंड होता है, क्या कुछ उसमें होता है, क्योंकि मुझे भी खुद ज़्यादा नहीं पता है उसके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं कल, बाय।